जैसे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इन द एडजॉइनिंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ दिया हुआ है। आइए दोस्तों फिगर की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक राइट एंगल देखिए यहाँ पे है और एक ये जब ए से जब हमने डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो एक राइट एंगल यहाँ पे है। तो लगभग अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं। तो एक तो मिलता है ट्राइंगल बी ए और सी, राइट एंगल एट ए, और दूसरा मिलता है हमें ट्राइंगल ए डी और सी। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल इसके ऊपर है ए के ऊपर और यहाँ पर राइट एंगल डी के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, ये जो ए बी ए और सी ट्राइंगल है इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, देखिए दोस्तों बी ए सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, क्या आने वाला है, बी सी का स्क्वायर मतलब कि एक्स प्लस ऑफ वाई को जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए क्या है 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी क्या है 8 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे ये हो गया एक्स प्लस वाई का यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हो गया 36, ये हो गया 64। ठीक है जी, सॉल्व करिए इसको, एक्स प्लस वाई ठीक है ये अंडर रूट ऑफ 100 आने वाला है। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर है इसका हमने अंडर रूट बना दिया नेक्स्ट साइड में जाके, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, यहाँ आने वाली है 10। एक इक्वेशन तो दोस्तों हमें यहाँ से मिल जाती है, मार्किंग कर दीजिए इसकी। ठीक है, ये कहाँ से आई थी, ये आई थी आपकी इस वाले ट्राइंगल से। दूसरा ट्राइंगल ये ले लेते हैं ए डी सी। ए डी सी में क्या है, देखिए यहाँ पे ए सी का जो स्क्वायर है इजिकल टू ए डी का स्क्वायर है प्लस ऑफ डी सी का स्क्वायर है। कर लीजिए इसको, ए डी का स्क्वायर क्या होने वाला, ए डी ए सी का स्क्वायर क्या होने वाला, ए सी का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर इजिकल टू ए डी क्या है, ए डी मुझको पता नहीं है तो ए डी ऐसे लिख लीजिए, प्लस ऑफ डी सी कितना है, डी सी है आपका वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ए डी का स्क्वायर हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये देखिए ए डी स्क्वायर कितना होने वाला, ये होगा 8 स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए डी और बी में चलता हूँ, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और यहाँ पर क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर है 6 स्क्वायर, ए डी स्क्वायर कितना था, ए डी स्क्वायर यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, कितना आने वाला है, ए डी स्क्वायर देख लीजिए 8 स्क्वायर है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है प्लस ऑफ डी बी, डी बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इजिकल टू ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 स्क्वायर, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसको आप इक्वेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर 2 बोल दीजिए। तो 1 और 2 इक्वेशन को ले चलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ रहा था, 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 स्क्वायर, ये 2 था हमारे पास। ठीक है ना, तो इसमें से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, देखिए इसमें से हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इजिकल टू ये कितना होगा 36 माइनस 64। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए क्या आने वाली है, ये है 10 आपका। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई ये मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पे 36 में से 64 को 36 में से 64 घटाएंगे तो आपको 28 मिलने वाला है, वो भी माइनस का। ठीक है, सो एक्स माइनस वाई इजिकल टू माइनस ऑफ 28 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, और लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस एक्स इजिकल टू 2.8। ठीक है, इसको प्लस में कर सकते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमने पीछे से ली थी x प्लस वाई इजिकल टू 10 आया। तो अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए वो x की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2y इजिकल टू 12.8 और y की वैल्यू कितनी आई 6.4। यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दीजिए, y की वैल्यू आ रही है 6.4, इसका मतलब क्या है, देखिए 6.4 माइनस एक्स इक्वल टू 2.8 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 6.4 माइनस ऑफ 2.8, x की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे
3.6, इसकी मार्किंग यहाँ कर दीजिए। तो एक्स मिला आपको 3.6, वाई मिला आपको 6.4। सॉल्यूशन लिख दीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू, एक्स कितना है 3.6 सेंटीमीटर और वाई कितना है, वाई है दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को दोस्तों, वाई है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, इस तरह से दोस्तों हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।